जब से आई हो चुप हो। क्या आपा ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे कुछ बताओगी भी कि नहीं? कुछ ये पूछेंगे क्या? कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे। हर टाइम तंजिया बातें सुनाती रहती हैं वो मुझे। अरे नहीं नहीं, आपा भला क्यों तंज करने लगी? वो ऐसा नहीं कर सकती। जी आप तो उनकी बहन है ना, उनकी मोहब्बत में अंधी है, मेरी बात पे क्यों यकीन करेंगी? मुझे तो समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी कितनी अजाब बना के रखी हुई है। अरे वो इतने चाह से तुम्हें ब्याह के लेके गई है, वो भला ऐसा क्यों करेंगी? कोई चाह वैसे नहीं, मुझे ब्याह के लेके गई थी वो। मुझे तो लगता है अम्मा खाला जान कोई बदला ले रही है मुझसे आपका। बदला? कैसा बदला? यही कि क्या आप नाना और नानी की लाडली थी और खाला जान की पसंद की हर चीज आपको मिला करती थी, बस यही ताने मुझे भी मिलते हैं। हाँ लाडली तो मैं थी अम्मा अब्बा की और आपा की भी थी। आपा तो खुद मुझे इतने प्यार से वो तोहफे देती थी। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, इतनी छोटी और मामूली सी बात आपा दिल में लेके बैठी हुई है। बस आपकी इन्हीं मामूली बातों ने ना मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। अपने तीनों बेटों के साथ भी वो यही करती हैं, और जब मैं उन्हें मना करती हूँ ना तो उल्टा मेरे पे ही तंज करती हैं और कहती हैं कि अपनी माँ की तरह हो तुम भी। वो मेरे बारे में अभी तक बदगुमान है और वो भी इस हद तक? बस देख लें अब, मैं आपको यहाँ पे यही बात समझाने आई थी कि खाला आपको मुझसे और मुझे आपसे बदगुमान करना चाह रही है। आपने ना खाला जान की किसी बात पे यकीन नहीं करना, चाहे वो मेरे बारे में कुछ क्यों ना करे। समझ आ रही है आपको? वो तो फहाम हातिम और आसिम इन तीनों के साथ भी यही करती है, कभी कमरे में बुला के मेरे खिलाफ करती है तो कभी तंज में इतनी बातें सुना जाती है। और अम्मी आपने किसी को नहीं बताना कि मैंने आपसे ये बातें की हैं और मैं यहाँ आई हूँ। खामखा और अजाब मेरी जिंदगी में पड़ जाएगा, पहले थोड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ होते हुए भी तुम अपने मियाँ के कहने की वजह से मरी जा रही हो। तुम्हारे पास स्विट्जरलैंड के टिकट थे, वीज़ा था, सब कुछ था, फिर भी तुमने अपने शौहर की बात मानी। मुझे मेरी मामा ने ये सिखाया है, आपकी और जशांत की हर बात माननी मुझे। माशाल्लाह बहुत अच्छी तबीयत है तुम्हारी मामा की। सारे इंतजाम हो गए ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बात है बेटा? माँ जी मुझे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अरे आपको तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मैं दवाई लेकर आती हूँ। सर में बहुत दर्द है मेरे। क्या हो गया? पूरा जिस्म टूट रहा है यार मेरा। बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला के घर पहुँचा यार मैं, मुझसे सफ़र नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। मैं कुछ खाने के लिए लाऊँ आपके? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे आप रहने दीजिए ना, मैं बना दूंगी सलाद। अरे कोई बात नहीं, मैं भी मसरूफ रहती हूँ तो वक्त गुजर जाता है, मैं कौन सा ज़्यादा काम करती हूँ। कहाँ फारिग होती हैं आप, कभी फार्म बेटा को उनकी पसंद पे पराठे बना के दे रही होती हैं, कभी आसिम के लिए धनिए के चावल बना रही होती हैं। अरे जायदा तुम तो जानती हो कैसी अच्छी कुकिंग किया करती थी, कितने मज़े मज़े के खाने बनाती थी अपने बच्चों के लिए। अब तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। जायदा अस्सलाम वालेकुम। जायदा एक कप चाय बना दो, बहुत सर में दर्द हो रही है मेरे। खाने में क्या बन रहा है? गोभी गोश्त बन रहा है, आसिम को बहुत पसंद है। आसिम को भी पता नहीं क्या क्या पसंद है। तुम कहाँ गई थी? क्यों जायदा ने नहीं बताया आपको? हाँ बताया था कि तुम अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हो। तो खाला जान फिर क्यों पूछ रही हैं आप? हातिम ने कहा कि तुम्हें सादिया के यहाँ से पिक करेगा वो। खाला जान आपका एतराज़ किस बात पर है, हातिम के मुझे पिक करने पे या सादिया बाजी के घर जाने पे? मुझे एतराज़ तुम्हारी गलत बयानी पर है। सही है तो फहम से लगा दे मेरी शिकायत, किसने रोका है आपको? मुझे शिकायत लगाने की ज़रूरत है ना ही ख्वाहिश, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी। ऐसे मैं तफरी के मूड में थी, मेरा दिल कर रहा था तो मैंने बोल दिया। क्या खाला जान अब मेरे हंसी मजाक पर भी पाबंदी लगाएंगी आप? पहले मैंने कौन सी पाबंदी लगाई है तुम पर?
हाथ पता है क्या है खाला जान, मेरे यहाँ सर में बहुत दर्द हो रहा है, वैसे ही बाहर बहुत गर्मी है, तो मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती आपके साथ। आपका जो दिल चाहता है आप समझे, आपका जो दिल चाहता है आप करें। कमरे में जा रही हूँ, रहने दीजिए आप, इसको भूना लगाया करें, इसको इसके हाथ पे छोड़ दे। तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम्हें तो ज्यादा बीबी मैं ठिकाने लगाती हूँ। ज़ायदा, रख भी दो अब चाय, सर में दर्द हो रहा है, 10 दफा कहूँ तो 1 दफा सुनती है, पता नहीं क्या औरत है ये।